नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु और हम लोग हैं Xiaomi इंडिया ऑफिस में। और आज मैं मिलने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स। अप्रोक्सीमेटली इंडिया की 1% पॉपुलेशन इनको फॉलो करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं टेक्निकल गुरुजी से। वेलकम गौरव, वेलकम टू Xiaomi। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो लगता है कि फिर मतलब मैं गए अपना चैनल से बैठ लूं और टेक ओवर इधर से कर लो आप। अरे दोस्तों, ये जो दोस्तों वीडियो है ना, ये मतलब बड़ी ही कमाल की है। थैंक यू मनु, पहली बात तो हम यहाँ पे बैठ के अभी कुछ खास बातें करने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे याद है कि हम मिले थे लास्ट जुलाई में, आई थिंक 20 जुलाई वो डेट थी जब हमने K20 सीरीज को लेकर वीडियो बनाया था। और ऑलमोस्ट मतलब 6 महीने निकल चुके हैं, अभी हम 2020 में घुस चुके हैं। तो लगा कि चलो अभी आपसे बात की जाए और हम कुछ आपस में डिटेल्स शेयर करें और बात हो Xiaomi को लेके कि आखिर 2019 जो है वो कैसा रहा और 2020 में और क्या नया क्रेजी एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं एक बार वापस से। मनु, सबसे पहले तो बताइए कि जुलाई तक जो आपने डिटेल्स दी थी ना, वो मतलब बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स थे। और इन टर्म्स ऑफ नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड होना, इन टर्म्स ऑफ नंबर वन टीवी ब्रांड होना, नंबर वन वेरिएबल ब्रांड होना इंडिया में, और बहुत कुछ नंबर वन था शायद, मैं भूल रहा हूँ कुछ। लेकिन अभी उसके बाद का जो टाइम रहा दिवाली का या इम्पैक्ट ऑफलाइन मार्केट का, तो वो सब कैसा रहा आपके लिए? लास्ट 6 महीने बहुत ही अच्छे रहे। Q3 जो कि जुलाई अगस्त सितंबर था, वो पहला ऐसा क्वार्टर रहा जिसमें किसी भी ब्रांड का इंडिया में कभी भी 12 मिलियन से ऊपर शिपमेंट रहे। okay. हमारे थे 12.6 मिलियन हर महीने या? नहीं, टोटल क्वार्टर। okay, टोटल का, टोटल क्वार्टर में। okay. पहली बार किसी ब्रांड ने 12 मिलियन से ज्यादा एक क्वार्टर में किए थे। okay. इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में। okay. और ना सिर्फ ये पहला ऐसा क्वार्टर था जबकि नंबर वन और नंबर टू ब्रांड के बीच में ऑलमोस्ट 50% का गैप था। ओके। तो हम लोग नंबर टू ब्रांड जो कि सैमसंग थे उससे 50% बड़े थे। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा Q4 में दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने करीब 12.5 मिलियन, तो हम 15 मिलियन टच नहीं कर पाए जो कि आपका सब्सक्राइबर नंबर है, लेकिन हमने 12.5 मिलियन डिवाइसेस बेचे। बट आई एम श्योर कि वो जो 12.5 मिलियन लोगों ने फोन लिया उनमें से काफी मेरे सब्सक्राइबर्स भी होंगे। और ये था एक 40% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। इसमें सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग जो हमारा चैनल रहा है वो है ऑफलाइन। ओके। जहाँ पे करीब हमारी 10,000 शॉप्स है जिसमें से 2,500 एक्सक्लूसिव शॉप्स है और 7,500 नॉन एक्सक्लूसिव शॉप्स है। I remember that tweet. आपने एक ट्वीट किया था जब आई थिंक 2,500वां मी स्टोर खुलवा था, तो आपने उसमें 2-3 ब्रांड्स का जिक्र किया था। आई थिंक बाटा का उसमें जिक्र था, उसमें शायद डोमिनोज कैफे कॉफी डे, और मतलब उसमें आपने बताया था कि एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं सभी ब्रांड्स के हिसाब से। या तो ये अभी दुनिया की इंडिया की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिटेल चेन बन गई है। हम लोग डोमिनोज से करीब करीब 100% ज़्यादा बढ़े हैं। ओके। बाटा से करीब 120% ज़्यादा बढ़े हैं, और कैफे कॉफी डे जो दुनिया की जो इंडिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन है उससे करीब करीब 50% ज़्यादा बढ़े हैं नंबर ऑफ स्टोर्स। तो वेरी वेरी प्राउड हमारी एक्सक्लूसिव ऑफलाइन टीम के लिए जिन्होंने कि इतने बड़े एक रिटेल चेन बनाया। और ऑफलाइन जो हमारी बिजनेस है दैट हैज बीन ग्रोइंग एट 70% ईयर ऑन ईयर। ओके। तो अगर आप 2018 एंड की तरफ बात करें, 2019 ऑलमोस्ट 70% हमारा बिजनेस ग्रो किया है। और विद इन ऑफलाइन कैटेगरी वी आर नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। ओके। तो ऑनलाइन में भी आपने जलवे दिखाया और अभी ऑफलाइन में भी जो है वो 2019 में काफी अच्छा रहा आपके लिए। लेकिन चलिए ये बातें तो बहुत अच्छी हो गई और कॉन्ग्रेट्स फॉर ऑल द सक्सेसेस कमिंग इन। बट अभी 2020 में क्या प्लान है Xiaomi का? 2020 में कुछ तो बड़ा होने वाला है, बिकॉज बड़े से याद आया, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े नंबर्स की। मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 महीने तो हो चुके होंगे, जितने भी Xiaomi के मेन फेसेस हैं सभी की तरफ से ट्वीट्स आ रहे थे 108 MP इज कमिंग। तो मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में 2020 में बात करेंगे। तो इस साल के बहुत ही एक्साइटिंग प्लान्स हैं। ऑफ कोर्स हम लोग 108 MP वाला कैमरा फोन इंडिया में लॉन्च करेंगे। ओके। ऑलरेडी हम लोग चाइना के अंदर 2 ऐसे फोन लॉन्च कर चुके हैं। पहला जो कि हमारा कॉन्सेप्ट फोन है Mi Mix Alpha, और फिर Mi CC9 Pro जो कि Mi Note 10 के नाम से हमारा ग्लोबल लॉन्च हुआ, वो फोन भी हमारा 108 MP है विद पेंटा कैमरा जी। तो हम लोग इंडिया के अंदर डेफिनेटली 108 MP लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे एक्साइटिंग फोन्स होंगे। सबसे बड़ी बात जो 2020 में होगी वो ये है कि हमारी जो Mi सीरीज है, जो हमारे फ्लैगशिप फोन्स हैं जो कि हम चाइना और ग्लोबली लॉन्च करते हैं, उसमें से कई सारे फोन्स, ना सिर्फ एक बट कई सारे फ्लैगशिप फोन्स इस साल हम इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। ओके। तो आपके सारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार हमसे पूछा है कि Mi 8 या Mi 9 जो है वो हमको इंडिया में नहीं देखने को मिलते, इंडिया नहीं क्यों मिलते हैं जी। और उसका रीजन बहुत सिंपल सा था कि अभी भी हम लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे और वो जो एक मिड प्रीमियम सेगमेंट है 6,000 से 20,000 जो कि एक वैल्यू ऑफ द मार्केट है जी, हम लोग उस पर फोकस करते थे। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल देखें तो 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहला, हम लोगों ने कई सारे अपने प्रीमियम डिवाइसेस लॉन्च किए, ना सिर्फ फोन्स बट इवन टीवीज। जैसे हमारा जो
65 इंच टीवी है, 50,000 जी, 50 से ऊपर का है, और वो सबसे बेस्ट सेलिंग 65 इंच टीवी है कंट्री के अंदर। इसका मतलब लोग 55,000 रुपए पे करने को तैयार हैं एक शाओमी के डिवाइस के लिए जी। तो हमने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए टू बिल्ड द मी ब्रांड, जैसे मी एयर प्योरीफायर, मी वाटर प्योरीफायर, मी टीवीज। दूसरा हम लोगों ने किया कि अपने फ्लैगशिप सीरीज में दूसरी ब्रांड रेडमी ब्रांड के अंदर हमने K20 Pro जो लॉन्च किए, और अब K20 Pro जो $300 मतलब 20,000 से ऊपर वाली सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन गया। तो उसका रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा, उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। तो अब इन दोनों चीजों के चलते हमें लगता है कि हम काफी अच्छा और ट्राई कर सकते हैं। इट्स टाइम नाउ। जो फ्लैगशिप सेगमेंट होता था 20,000 से ऊपर, ये बहुत छोटा होता था पहले, लेकिन अब ये बढ़ के 8-10% हो गया है जी। तो हमें लगता है कि इस 8-10% के अंदर अगेन वी कैन डू अ गुड जॉब, और इस साल होपफुली हम लोग कई सारे फोन लॉन्च करेंगे। ओके, तो बाय द वे वो 108 कौन सा फोन है और कब तक आ रहा है, बिकॉज वो अल्फा है कॉन्सेप्ट वाला या फिर मी नोट 10 है, चल क्या रहा है? ओके, तो मैं आपको और आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स पहला फोन जो हमारा था वो है चाइना में मी मिक्स अल्फा जी, जो कि कॉन्सेप्ट फोन है। मैंने लेकिन बाय द वे उसकी स्टोरी सुनी है अभी रिसेंटली, आई थिंक एक हफ्ते पहले कुछ अपडेट था कि उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसका मास प्रोडक्शन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्शन लाइन है जिसपे वो प्रोड्यूस हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले है, सब कुछ है उसमें, टाइटेनियम अलॉय है। और मैं आपके चैनल के थ्रू आपके सारे 15 मिलियन फॉलोअर्स को बताना चाहूंगा कि हम लोग मी मिक्स अल्फा वो पहला डिवाइस है जो कि हम शोकेस करेंगे इंडिया में, और ऑफकोर्स उसके बाद हम मी के कई सारे फ्लैगशिप फोन इंडिया में लेके आएंगे। ओके, इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चाइना में जब मैं गया था रिसेंटली, मैं शॉमी के स्टोर पे गया था, मैंने वहां से K30 परचेज किया था। हाँ जी। और आई वाज अबाउट टू बाय CC9, बट मेरे को लगा कि नहीं, अब जब आप बात कर ही रहे हो कि 108 मॉडल तो इंडिया में आएगा तो लेट्स वेट फॉर दैट, और ये मेरे को मिल नहीं पाया बिकॉज अवेलेबिलिटी, ये सेल पे अभी तक अवेलेबल, इसीलिए। तो ये आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, ये वो फोन है मी मिक्स अल्फा, हमारा कॉन्सेप्ट फोन, ये हमारा सबसे महंगा फोन है चाइना में, बिकता है करीब करीब 2,00,000 रुपए का। इसकी कई सारी खासियत बातें हैं, इट लुक्स लाइक डिफरेंट बहुत। हाँ, तो इसकी कई सारी खासियतें मैं जो बताना चाहूंगा, पहला तो ऑफकोर्स इसका स्क्रीन, कि इसके आगे भी स्क्रीन है, इसके पीछे भी स्क्रीन है, साइड में भी स्क्रीन है, चारों तरफ स्क्रीन है जी। और ये पहला ऐसा फोन है जिसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 180% है, क्योंकि आगे पीछे हर तरफ आपके स्क्रीन जी, है। जी, जी। हम लोग बात करते रहते हैं 90%, 91%, 92%, और ये है 180%। और फिर हम बात करते हैं पंच होल या नॉच या पॉपअप, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एकदम अलग कैटेगरी का फोन है। बिल्कुल, एक्चुअली इसमें आप टेक्निकली, क्योंकि आपका जो सेल्फी कैमरा है जी वो सेम है जो कि आपका रियर कैमरा है, और आप 108 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 108 मेगापिक्सल का आप सेल्फी ले सकते हैं, क्या बात है। साथ में अल्ट्रा वाइड 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है 12 मेगापिक्सल, और इसकी जो बॉडी है ऊपर और नीचे वो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम की बनी हुई है। ओके। पीछे सिरेमिक है। uh-huh। और दुनिया का पहला ऐसा फोन जो कि 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ बना था, तो बहुत ही अमेजिंग फोन है, और ये पहला फोन होगा मी मेरा मन कर रहा है ना, मतलब अपना सिम वगैरह निकाल के डालू या उसको यूज करना स्टार्ट कर दूं, जो कि हम लोग इंडिया के अंदर शोकेस करेंगे। लेकिन मनु, आपसे अगर पूछता हूं इसकी आपको मतलब लाइक डे टू डे यूजेज में आप कैसे इसको समझते हैं कि इस चीज से बेनिफिट होगा, या मतलब एक तो हो गया लुक्स और एस्थेटिक्स, या उसके अलावा फंक्शनल बेनिफिट्स भी, इससे अगर आप कुछ एग्जांपल दे पाएं। तो ये देखिए, जैसे आप कॉन्सेप्ट कार, आपने कभी, आप अगर आप ऑटो एक्सपो में गए, जी जी जी, तो ऑटो एक्सपो में आप ऐसी कई सारी गाड़ी देखते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां हैं जी, आप उनको खरीद नहीं सकते उस टाइम पे जी, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो मास प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है जी। लेकिन ये दिखाता है कि फ्यूचर में गाड़ियां कैसे होंगी, तो ये फोन एग्जैक्टली वैसा फोन है जो हो सकता है फ्यूचर में हमको ये लाइन भी देखने को ना मिले, मे बी राइट। तो हमारे पास बिन जो हमारे प्रेजिडेंट, उन्होंने एक फोन शोकेस किया था जो कि एक फोल्डिंग फोन था, वो जो दो तरफ से फोल्ड होता था, बिल्कुल जी जी, एक ये फोन है। इसके अलावा जो कई सारे हमारे फ्लैगशिप फोन्स हैं जो कि मी सीरीज के अंदर हमारे चाइना के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे फोन्स हम लोग इस साल कई सारे इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। सॉरी, मैं आपको बात में ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा सारा ध्यान इस फोन में है अभी, बट मैं समझ रहा हूँ कि मतलब डेफिनेटली ये फोन तो मजेदार है, काफी 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 मजेदार है। आई थिंक इसमें स्क्रीन कुछ 7 इंचेस का है, बिकॉज आप अगर डायगोनल नापेंगे इस कोने से लेके पूरा ऑल द वे इस कोने तक, तो ये आई थिंक 7.9 या समथिंग इंचेस का स्क्रीन बन जाता है। बिल्कुल, तो ये है मी मिक्स अल्फा, और ये पहला फोन होगा जो मी सीरीज की तरफ से जो हम लोग शोकेस करेंगे। शोकेस इन द वे कि मतलब सेल पे होगा अभी, देखिए अगर मतलब चाइना के अंदर जो इसका हमने प्राइस रखा है वो है करीब करीब 20,000 RMB
अगर हम इस इंडिया में लेके आते हैं, इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खोल सकते हैं अभी, ऑफ कोर्स, तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे, 20% इंपोर्ट ड्यूटी है प्लस ऑल जितने खर्चे हैं, तो होपफुली इसकी जो प्राइस होगी वो करीब करीब 2.5 लाख रुपए, मतलब 2,49,000। आप मुझे कोई लिंक देंगे प्री ऑर्डर करने के लिए? मैं आपके यूजर से पूछना चाहूंगा कि कितने ऐसे यूजर्स हैं, प्लीज कॉमेंट्स में बताइए कि जो इस फोन को करीब करीब 2.5 लाख रुपए में खरीदना पसंद करेंगे। एक तो इधर बैठा है आपके सामने, कस्टमर रेडी है। तो मतलब मेरे ख्याल से 2019 जो आपका रहा साल, जैसे हम बात करें 2020 के बारे में, तो काफ़ी और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, कंसिडरिंग आपका जो प्लान है वो और ज़्यादा मतलब बड़े स्केल पे आप और इंप्लीमेंट करने वाले 2020 में। इसके अलावा हम लोग ऑफकोर्स कई सारे नए, मैंने जिस पर ना कि सिर्फ मी फ्लैगशिप फोन्स लेके आएंगे, पूरी रेडमी सीरीज को हम रिवैम्प करेंगे, नए फोन्स लेके आएंगे, नई टीवीज लेके आएंगे, और होपफुली जैसे 2019 में हमने कई सारे नए इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे स्मार्ट वाटर प्योरीफायर जी, शूज, सनग्लासेस जी, ट्रिमर, इसी तरह 2020 में हमारी उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 2 से 3 नई कैटेगरीज में एंटर करें, और 2 नए एटलीस्ट 2 या 3 नए IoT डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि Xiaomi के लिए तो डेफिनेटली पॉसिबल है कर पाना, बिकॉज जिस स्केल पे आप काम करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अक्रॉस, तो मतलब 2-3 तो इजीली हो जाएगा शायद। बाय द वे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मैं आपको अभी तक बिल्कुल आराम से इजी क्वेश्चंस पूछ रहा था, सबसे मुश्किल सवाल, पोको का क्या सीन है? ओके, पोको आप अभी यहाँ पे है ना कल तक, तो क्यों ना हम दोबारा से कल मिलें, ओके, कल हम बात करेंगे पोको के बारे में। अच्छा, कंफर्म? बिल्कुल, मतलब इस बार तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक हिंट देके छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल कंफर्म बात करेंगे फिर। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमने काफी कुछ बात किया, मी मिक्स अल्फा जो है मैं आपको बीच बीच में क्लोजअप्स में भी दिखाऊंगा, बिकॉज मेरा तो बड़ा मन है इस फोन को, मतलब कि बस एक तो ना ये ब्लू इतना अच्छा लगता है, मानो ना ब्लू और ब्लैक के साथ में कॉम्बिनेशन है, हाँ। कि लगता है कि आप इस फोन को जो है वो मतलब इसमें तो किसी का एक बेसिक व्हाट्सएप डायग्राम लगता है कि मतलब वो भी अपना एक चाव होगा कि हाँ मैसेज आया, फोन को अनलॉक करके मैसेज पढ़ता हूँ मैं। एनीवेज, दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और मैं कल वापस से आता हूँ यहीं पे, और हम बात करते हैं पोको के बारे में, बिल्कुल मतलब कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, पक्का पोको के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपकमिंग क्रेजी वीडियोस जिसमें पोको का वीडियो भी शामिल होगा उन्हीं को देखने के लिए। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।